देश में देश के प्रधानमंत्री योग को लेकर जो है लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे थे, वहीं आयुष मंत्रालय ने भी जो है अपनी एक टीम जो है रामपुर के अंदर किला मैदान में उतार दी है। आपको बता दें ये टीम लोगों को जोड़कर योग के जो है टिप्स देती है। मेरे साथ सीधे राजीव हैं जो आयुष मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और उनकी जो है योजनाओं को जो है जन जन तक पहुंचा के मैसेज दे रहे हैं योग के प्रति। महिलाएं आपके साथ मैंने देखा बहुत सारी जुड़ी है और योग कर रही है, हालांकि मुस्लिम महिलाएँ इससे जो है बहुत पीछे थी, अब अवेयरनेस फैली है, किस तरीके की ये अवेयरनेस है? देखिए, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि प्रधानमंत्री जी योग को फोकस कर रहे हैं, योग को बढ़ावा देने के लिए तमाम मुहिम चला रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं, उसी तरीके से उसी क्रम में मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी योग को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रचार प्रसार किया है। और मैं राजीव कुमार, योग प्रशिक्षक नगर रामपुर में, यहाँ योग का ट्रेनर हूँ और यहाँ लोगों को योग करा रहा हूँ। और मुझे लगभग एक माह से यहाँ शिविर चल रहा है लगातार। तो पहले दिन हमने जब शुरू किया था तो 4 से 6 लोग यहाँ बैठा करते थे और जागरूक नहीं थे लोग। फिर हमने उनको समझाया, पहले जागरूकता दी उनको कि योग से काफ़ी लाभ होता है। उन्होंने 4 से लोग फिर 8 हुए, 8 से फिर 16 हुए। इस तरीके से हमारे यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ एकत्र हो गए हैं। और आप स्वयं पूछ सकते हैं कि यहाँ महिलाएं जो योग कर रही हैं या पुरुष योग कर रहे हैं तो उनको कुछ लाभ मिला है? कितने दिन तक ये कैंप चलेगा आपका और क्या लग रहा है आपको, ये जो काफिला है ये बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, आपको हमने जैसा पहले बताया वैसा ही अभी अब मैं बता रहा हूँ कि जब संख्या कम थी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ बैठने की व्यवस्था कम थी, अब हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं क्योंकि लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है। और ये 21 जून तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक दिन रखा गया है, लेकिन इसके अलावा भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग करें, यही हम जागरूकता का संदेश देंगे यहाँ। अच्छा, यहाँ महिलाएं उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार सेहत को सही रखने के लिए क्या योग ज़रूरी है। उन महिलाओं में जो पहले अवेयरनेस नहीं थी, मैं उनसे ही पूछता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। देखिए, जब यहाँ नया नया योग के लिए शुरू हुआ तो हम लोगों को बहुत हंसी आती थी, हम कहते थे ये क्या है, जानते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हमने एक बार किया यहाँ पर, दोबारा फिर सारी हमारी फ्रेंड्स सब योगा करने लगी तो उनको देख के हम लोग भी बैठ गए। फिर हमने जब किया तो उससे हमें बहुत फायदा हुआ, पेट की तकलीफ भी देखते ही थे, हम भी नहीं करते थे, मगर हम लोगों ने जब आए आगे तो बहुत फर्क पहुँचा। मुझे मेरा भी बीपी हाई रहता था। अच्छा, ज्यादातर अधिकतम महिलाओं में जो है बीपी की समस्या रहती है, हालांकि फिटनेस जरूरी है, सेहत का अगर हम ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये शरीर भी लंबे टाइम चलेगा काफी तरह। आप बताइए, आप किस तरीके का है योगा आपने किया? मेरे तो फर्स्ट डे है। क्या लगा, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे बहुत। आपको लग रहा है कि फेट बढ़ रहा है महिलाओं में, वो जरूरी है घटाना? हाँ, बहुत जरूरी है। तो फिट होना बहुत जरूरी है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया था फिट होने का, लोगों को जागरूक किया था, तो मैं और भी मेरे साथ लोग, आप बताइए क्या लगता है आपको, जो प्रधानमंत्री ने योग शिविर शुरू कराया था देश को फिट रखने के लिए, क्या वो कामयाब होगा? होगा, जरूर होगा, काफी होगा। आप क्या, आप एक्सरसाइज आपने किया, यहाँ योग किया, लगा है आपको कुछ बदलाव होगा शरीर में? काफी बदलाव हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, पूरे शरीर पर हुआ है। तो हालांकि योग करना जरूरी है, सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, फिटनेस जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे शुगर और बीपी जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो खान पान से जो है ठीक नहीं होती है, सेहत बिगड़ती है। तो उसको लेकर जो है आज किला मैदान में शिविर लगाया गया है और ये शिविर आयुष मंत्रालय की तरफ से लगाया गया है। राजीव इसके ट्रेनर हैं, वो ट्रेन करते हैं महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, उनको फिट रखने के लिए यहाँ पर शिविर है, इसमें जो है टिप्स दिए जाते हैं योग करने के लिए। तो योग सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और महिलाओं से हमारी अपील है कि वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इस शिविर को जो है ज्वाइन करें और अपनी सेहत जो है यहाँ पर बनाएं और अपने आप को फिट रखें। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफ़ान अहमद, क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।